फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिया। आज हम बात करेंगे लंबे बालों के बारे में। दोस्तों, लंबे काले घने बाल किसको अच्छे नहीं लगते। हर कोई चाहता है कि बाल लंबे हो जाए, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप छड़ी हिलाई और तुरंत बाल लंबे हो गए। इसके लिए लगती है बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा डेडिकेशन, बहुत सारा टाइम अपने बालों को अच्छा करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। इसी सीरीज़ में एक होम रेमेडी मैं लेके आई हूँ जो आपके बालों को लंबा, काला, घना बनाएगी, साथ चमकदार बनाएगी। ये होम रेमेडी आपके बालों को रिपेयर तो करेगी ही, साथ ही बालों को रीग्रो करेगी। जो बाल आपके टूट गए हैं, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपके नए बाल आने लगे हैं। यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और साथ ही हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि वहाँ से नए हेयर्स आने लगे हैं। और अगर समय से पहले बाल सफ़ेद हो गए हैं तो उनको भी ये काला करेगा, आपके बालों की ग्रोथ को ये लंबा करेगी। अक्सर होता है कि हमारे बाल साल में लगभग 4 से 5 इंच बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप इस होम रेमेडी को ट्राई करते हैं तो 1 महीने में लगभग 4 से 5 इंच बाल आपके लंबे हो जाएंगे। और आप देखते ही देखते हैरान हो जाएंगे कि कितने जल्दी बाल लंबे हो रहे हैं और आप कटाते कटाते परेशान हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लाइक करना मत भूलिए। इससे मिलती है मुझे ढेर सारी इंस्पिरेशन अच्छा अच्छा काम करने की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने की आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम खसखस या पॉपी सीड्स लेंगे भीगे हुए, जो 1 घंटे पहले भिगोए हों। उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसको हम अब एक क्लीन बाउल में निकाल लेंगे। अब हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है कोकोनट मिल्क। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम इस नारियल से कोकोनट मिल्क बनाएंगे। सबसे पहले इसको ग्रेट कर लेंगे और लगभग हमें 2-3 चम्मच की मात्रा में ये चाहिए होगा। कोकोनट मिल्क से बाल सॉफ्ट होते हैं, ये बालों को हेल्दी बनाता है और उसको डीपली नरिश करता है। कद्दूकस करने के बाद इसको मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और डालेंगे इसमें लगभग 1/2 कप पानी। ये देखिए, पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको एक सीव की सहायता से क्लीन बाउल में निकाल लेंगे और जो इसमें बचेगा ऊपर छन्नी में, उसको आप मिश्री के साथ खा सकते हैं। ये देखिए, कोकोनट मिल्क रेडी है। अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है प्याज। हम मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे। इसमें होता है सल्फर, जो हमारे बालों को रीग्रो करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लहसुन। इसकी करीब हम 6 कलियाँ लेंगे। ये हमारे बालों को स्ट्रेंथन देता है, हमारे बालों की डैंड्रफ दूर करता है। इन दोनों को हम छील के काट लेंगे, उसके बाद ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम लेंगे करीब 3 चम्मच कोकोनट मिल्क और उसमें डालेंगे लहसुन और प्याज का पेस्ट 2 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे खसखस का पेस्ट 2 चम्मच और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये पेस्ट रेडी है आपके बालों में लगाने के लिए। इसके लिए छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे बालों के और उसके बाद इसको रूट्स पर लगाएंगे, और सप्ताह में इसे 2 बार लगाना है और उसके बाद कोई भी माइल्ड शैम्पू कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके बाल इतने लंबे, काले, घने हो जाएंगे। और समय से पहले अगर सफ़ेद बालों की समस्या है तो वो भी सफ़ेद बाल धीरे धीरे काले हो जाएंगे। इस पैक को 30 मिनट के लिए लगा के रखना है अपने बालों पर। ये होम रेमेडी आपको वीक में 2 बार ट्राई करनी है। आप इसको फ्रिज में भी बना के रख सकते हैं 2 दिन 2 बार का, और ये ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद कोई भी आप माइल्ड शैम्पू कर लीजिए। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक पर। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो से। टिल देन, बाय बाय।